नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। बजट काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उससे पहले हम प्रमुख क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं, जानने के लिए कि किस प्रकार का मूड है और एसएमई कम्युनिटी की फाइनेंस मिनिस्टर के लिए क्या विशलिस्ट है। आज इस टेक्सटाइल और डायमंड के गढ़ में हम मूड को समझेंगे और जानेंगे कि वो एफएम से क्या चाहते हैं। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम सावजी भाई ढोलकिया, फाउंडर हरि कृष्ण एक्सपोर्ट, धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ पीएम शाह साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स, आपका भी शुक्रिया। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बातचीत करने के लिए रंगनाथ सरदार साहब, डायरेक्टर फोस्टा फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, और बैंकिंग का पर्सपेक्टिव रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं येस बैंक के परेश शाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस बैंकिंग सूरत क्लस्टर के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी भाई, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो छोटा कारोबारियों का क्षेत्र है, इसमें जो नौकरियां बड़े पैमाने पर ये मुहैया कराता है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार स्मॉल इंडस्ट्रीज में ही है, और इसको काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं जहाँ तक जॉब्स की बात है कि नए जॉब्स कितनी क्रिएट हुई। बजट के माध्यम से किस तरह से इस अहम क्षेत्र को पुश दिया जाए, जोर दिया जाए, ताकि नई नौकरियां पैदा हो सकें, जो यूथ है उनके लिए किस तरह के इसमें सिग्नल्स आ सकते हैं, वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो न्यू इंडिया की बात हो रही है उसमें उनका भी किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन हो, और इस बजट के माध्यम से कैसे सिग्नल्स जाएँ नौजवानों तक। ऐसे तो सूरत में ऐसा आज तक नहीं बना है कि कोई भी आदमी आया और नौकरी नहीं मिली। सबको स्किल एम्प्लॉय चाहिए ही, हार्ड वर्क चाहिए ही। ले मैं तो मानता हूँ नौकरी आज भी अवेलेबल ही है, बट आप जिस तरह से एमबीए करे किया हुआ लोग घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ लोग घूम रहे हैं, जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन कोई भी डिग्री आने से कुछ होने वाला नहीं। प्रैक्टिकली करके वो डिग्री बाद में काम लगेगी, कोई भी काम में लग जाए तो वो डिग्री काम तो लगती ही है। इसके वजह से या इंस्टीट्यूट चालू करे या कोई एक ट्रेड सेंटर चालू करे कि जहाँ उसको मार्केटिंग की फैसिलिटी मिले, जहाँ उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह मिले, और जो प्रोडक्शन बनावे वो प्रोडक्शन मार्केटिंग के लिए मदद करे। ऐसा एक जोन हो सकता है कि स्मॉल जो बिजनेस करना चाहते हैं उसको अवेलेबल जगह मिले, उसको अवेलेबल जगह मार्केटिंग का एक सेंटर खड़ा होए कि वहाँ से पूरा सबका प्रोडक्शन मिलता होए तो लोगों के लिए भी फायदा होए। ऐसा कोई एक जोन बने तो हो सकता है। मैंने सोचा था कि एक ऐसा जोन होना चाहिए कि जितना भी इंजीनियरिंग छोटा छोटा वर्क करता है ये सबके लिए बना तो लिया, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है तो कोई वन रूफ पे मार्केटिंग होना चाहिए सब चीज का। तो स्मॉल बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं उसको मेन प्रॉब्लम है जगह का, मेन इन्वेस्टमेंट का और मार्केटिंग का। वो स्किल इसके पास है लेकिन इसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम गवर्नमेंट या तो एनजीओ कोई भी प्लेटफॉर्म देना चाहे तो बहुत फास्ट हम लोग राइट सर कर सकते हैं। शाह साहब आप बताइए, टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना, इसको लेकर क्या चुनौतियां आ रही हैं, कैसे सहारा मिला जाए और इसके क्या मायने हैं फिर जॉब्स के लिए? देखो, ऑटोमेशन का जो बात आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सूरत में ऑटोमेशन होने के बाद भी कहीं पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ा है। टेक्नोलॉजी के साथ अपन नहीं चलेंगे तो बात बनती नहीं है, क्योंकि अभी परसों ही हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे सूरत में हमारा उद्योग का इनोग्रेशन में। उन्होंने बताया कि जैसे बांग्लादेश जैसा छोटा देश है वहाँ पर गारमेंट का हब है, क्यों है, टेक्सटाइल का हब तो सूरत है, तो सूरत में इतना कपड़ा बनता है तो गारमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? जैसे अभी साहब ने बताया कि भाई अपना जो वेस्ट पड़ता है वो वेस्ट में से बेस्ट क्यों नहीं बना सकते हैं? उसमें टेक्नोलॉजी का जो है, जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की है जो हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कभी, कई बार तो कि भाई मेड अप इंडिया टेक्सटाइल, हम जो स्टार्टअप इंडिया है, मेकअप मेक इन इंडिया है, वो सब में देखो एक चीज़ है, आदमी को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे सोजी भाई ने बताया कि आपके पास एमबीए की डिग्री है उससे नहीं होने वाला है, यू शुड गो टू द राउंड रूट लेवल एंड कम। ये बताइए, जीएसटी को लेकर आपने इसे बताया दिक्कत रही है, ईवे बिल भी आ रहा है, उसमें क्या ऐसी जीएसटी की जो इश्यूज रहे उससे क्या हम सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करें कि ईवे बिल स्मूथली चले, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंटेशन में कई दिक्कतें आई। नहीं, आपकी बात मैं 100% मानता नहीं हूँ, ईवे बिल इज ए मस्ट,
देखो एक चीज है, जिसको एक नंबर में धंधा करना है, जिसको कारोबार अच्छी तरह चलाना है, जिसको आगे जाना है, उसके लिए ईवे बिल इज नॉट ए प्रॉब्लम। उसको किस तरह से आपको कुछ सजेशन? देखो एक चीज है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, आइदर सप्लायर और परचेजर और ट्रांसपोर्टर एनीवन कैन क्रिएट दी दिस ईवे बिल। अभी आप बोलोगे तो छोटा बच्चा और जो सब्जी बेच रहे हैं वो लोग भी मोबाइल पे काम कर लेते हैं, जो टैक्सी वाला ड्राइवर है उबेर ओलो में वो सब टेक्नोलॉजी सीख गए, तो हम क्यों नहीं सीखते हैं? बाकी मेरे हिसाब से उसमें कोई तकलीफ नहीं है, ईवे बिल इज अ मस्ट। ईवे बिल नहीं रहेगा तो दो नंबर का धंधा का बढ़ावा मिलेगा, तो ईवे बिल इज अ मस्ट। हाँ, सूरत के लिए मैं बात करूँ तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जो है छोटे व्यापारियों को, जो उन्होंने बताया है वो सही है कि जो कपड़ा डाइंग प्रिंटिंग होता है उसके बाद में जो वैल्यू एडिशन होता है, ये वैल्यू एडिशन में जो छोटे छोटे कारोबारियों के पास काम जाता है, जो घर में काम करते हैं, उसके लिए जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या तो ऐसी सब चीज़ें जो है उसमें काफ़ी बदलाव लाना जरूरी है। ओके, अच्छा दूसरी एक ही बात बताऊंगा कि जैसे कपड़ा वैल्यू ऐड होके जब बिकेगा तब तो गवर्नमेंट को 5% मिलने वाला ही है, तो वो वहाँ पे से उसको निकाल के डायरेक्ट जो कपड़ा बिकेगा उसमें आप टैक्स लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी लोग पैसा देने को तैयार है, टैक्स देने को तैयार है। जी आप बताएं हमें, जब तक बात हो रही थी कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा कैश कम हो, डिजिटल की तरफ हम बढ़ें, तब से और अब तक आप कैसे देख रहे हैं? फिर से कैश काफ़ी अब सर्कुलेशन में है, या इसके लिए किस तरह से और बढ़ना होगा? जब बात हो रही है बदलाव की, कैश सर्कुलेशन में तो नहीं है, कैश तो काफ़ी कम हो गया है, ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग चैनल में काफ़ी मूवमेंट दिख रही है। पहले जो एक ब्रांचेस होती थी जो आउटस्कर्ट में होती थी सिटी के बाहर, वहाँ पे इतने फुटफॉल्स नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैश एक्चुअली नहीं है, कैश का शॉर्टफॉल है और बैंकिंग चैनल से डिजिटलाइजेशन चीज़ों का अच्छे से उपयोग हो रहा है, मतलब मूवमेंट है, पॉजिटिव उपयोग हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कैश इजीली। इसमें कैसे मतलब इसको और इंसेंटिवाइज कैसे किया जाए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें जो डीमोनेटाइजेशन के बाद था, फिर से उसके कंपैरिजन में डिजिटल की तरफ थोड़ा कंफर्ट लोगों का कम है। जीएसटी आने के बाद जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद तुरंत ही कुछ ही महीनों में जीएसटी आ गया, तो ये जो बैक टू बैक जो स्टेप्स हुए हैं गवर्नमेंट के, इस चलते अब जो दिक्कतें चल रही हैं, या जो भी आप अपने डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो लोगों का फोकस ही हट गया उस चीज़ पे से। सब लोग अभी ये कर रहे हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, तो वो चीज़ फोकस ही हट गया है, चीजें वहां से डाइवर्ट हो चुकी है। आपका एफएम के लिए विशलिस्ट, बजट की क्या विशलिस्ट रहेगी इस क्षेत्र के लिए, एसएमई क्षेत्र के लिए क्या किया जाए? स्पेशली एसएमई क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं पे हाँ, जो टैक्स रेट्स हैं और जो स्लैब्स हैं वो इस तरह से बनाने पड़ेंगे ताकि जो छोटे कारोबारी है उनको एटलीस्ट साल दो साल तक वो बूस्टर मिले और वो सिस्टम में आ सके। मैं ये कहना चाहता, अभी आपने जैसे पीएम साहब से पूछा कि ईवे बिल के बारे में, और साहब ने बोला कि पक्के में आना है कच्चे में आना है, मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ। सूरत का आज कोई भी युवा है वो देश के राष्ट्र के नेशन के साथ है, और ई वे बिल से कितनी तकलीफ आएगी मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी आज की तारीख में ई वे बिल हम जनरेट करने जाते हैं तो एक एक घंटा लग जाता है, एरर आता है। अगर ई वे बिल 1 फरवरी से लागू होगा, अगर पोर्टल पर जैसे हमारा पर डे 400 ट्रक माल जाता है यहाँ से सूरत से, 65,000 दुकान है, लगभग 14 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग यहाँ से ये इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कपड़े की इंडस्ट्री से, और छोटे छोटे व्यापारी 10x12 की दुकान में बैठते हैं, उसी में उनका माल आता है, उसी से माल कटपेच होता है, उसी से डिस्पैच होता है, वहीं पे सेल्स करते हैं, वहीं पे परचेजिंग करते हैं, और वहीं पे वो समाज को भी संभालते हैं, सब चीज़ संभालते हैं। तो अगर उनका माल पर डे अगर नहीं जा पाया ई वे बिल की वजह से, तो वो माल का ढेर हो जाएगा, तो वो माल कहाँ रखेगा, दूसरा माल उसका वो मंगाएगा नहीं अपना प्रोसेस करके, तो ये कई समस्याएँ आने वाली हैं। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ई वे बिल लाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जीएसटी बेमानी है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि जनरली चोरी का बढ़ावा मिलेगा, तो ई वे बिल जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। 5-10% आदमी जो चोरी करते हैं उनके लिए सारे इंडस्ट्री को अगर इसमें झोंक देंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, तो आपको ईजी करना पड़ेगा। ईजी ऐसा करना है, अगर कोई व्यापारी पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको जनरेट नहीं कर पाओ, तो ट्रांसपोर्टर उसके बिल को देकर जनरेट कर ले, या बाहर की पार्टी जनरेट करे। आज भी पेपर में आया कि ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला है कि हम ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे, व्यापारी को ही करके देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 की रिटर्न भरते हैं, GSTR 3 भी और TDS का रिटर्न भी भरते हैं, तो ये महीने में 4 रिटर्न हो गए सर। मेरे हमारी समस्याएं बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताऊं ट्रेडर की, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है। वजह क्या है? हमारे से ऊपर चैम्बर है, इनको बुलाते हैं दिल्ली, तो ये हमारे बड़े भाई है, इनसे ऊपर हमारे कैट है, वो उनसे भी बड़े भाई है, ये हमारी पंचायत वहां करते हैं, जबकि जनरल हमारे को कितनी तकलीफ आ रही है जमीनी लेवल पे,
इनको हमारी सुननी चाहिए या हमारे को साथ ले जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ITC 04 एक रिटर्न बना था, सूरत में 90% आदमी नहीं भर पाए। इतना मतलब टिपिकल है कि लोगों को पहले बात तो मैन्युअली से कंप्यूटर पाए, कंप्यूटर से इतने जनरेट करना, ये इतना दिक्कत है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप हमें ईजी करिए, सिस्टम को ईजी करो। राइट सर, एक पहलू और आपसे टच करते हैं फिर हम आना चाहेंगे। जी आप कुछ ऐड कर रहे थे शासन? मैं एक ही चीज ऐड करूंगा, उन्होंने जो बताया बात बहुत सही है, लेकिन दो चीज़ है। मैंने अभी परसों बात मैंने आपको बताया, वैसे CM साहब से बात किया कि जो हमारे गुजरात के जो अधिकारी लोग हैं उनको सूरत में भेजो, हम उनको घर घर पे ले जाके उनको ये जो तकलीफ है वो बताएंगे। तो उनके क्योंकि आफ्टर ऑल इट शुड गो फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ, इफ स्टेट विल एग्री देन गवर्नमेंट इज़ नॉट देयर टू हैरेस अस और दे आर नॉट गोइंग टू प्रिवेंट द थिंग्स। इसलिए हम लोगों ने CM साहब को यही बोला है कि आप सूरत में ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो अधिकारी हैं उनको भेजो, और हमारी जो तकलीफ है वो आप डोर टू डोर जाके ये आप देखेंगे तो आपको कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में ईज हो जाती है वो देखेंगे। ओके, आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले साहब जी भाई एक और कमेंट आपसे स्किल्स के ऊपर, हुनर की जहां तक बात है उसमें जो मौजूदा वर्कफोर्स है उसका अपग्रेड करना या इंडस्ट्री को जिस तरह के स्किल्स चाहिए उसके लिए आगे बढ़ने में किस तरह से हम बढ़ सकते हैं। एक तरफ मौके कई हैं पर जिस तरह का मैन पावर चाहिए होता है इंडस्ट्री को उसमें दिक्कतें आती हैं, तो वो हुनर किस तरह से मुहैया कराया जाए, उसमें किस तरह की और आगे बढ़ सकते हैं और निजी क्षेत्र का कितना बड़ा रोल होगा उसमें? हम लोग तो ऐसे ही हमारे पास हम लोग रेडीमेड को लेते ही नहीं, हम ट्रेनिंग इधर देते हैं, हमारे पास जो भी आता है उसको हम 2-3 महीने कितना भी मास्टर क्यों ना हो 2 महीना हम ट्रेनिंग देते हैं, और हम दिल से इतना ट्रेनिंग देते हैं कि उसको सब क्वेश्चन जैसे भाई ने बताया सबका कोई भी सवाल है तो हम लोग सुनते हैं। अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि हम सुनते नहीं है, सुने तो आप प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाता है। मैं उससे कोई भी हमारा आर्टिस्ट और इंजीनियर हमारे पास आ सकता है, किसी का भी कोई भी बकवास सवाल है तो भी मैं सुनता हूँ। सवाल सुनने से आप तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली करते ही है, और ये उससे ही सवाल का जवाब उस पास से ही जवाब देते हैं, इसका सवाल का जवाब उसका सवाल में ही हो जाता है। जिस तरह से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और आज इतना हम लोग हैप्पी है, समझो 6,000 लोग में 6,000 लोग हैप्पी है। अभी हम लौट कर आएंगे फाइनल कमेंट्स के लिए, आप एक एक कर प्लीज आपके जो अगर विचार हो, कोई सुझाव हो या अनुभव कुछ हो तो आप बताएं। सदन गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूं एंड चेयरमैन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट फाउंडेशन हूं। अभी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमको एक या दो या तीन ही मैसेज चाहिए। बेसिकली हमको अगर ग्रो करना है तो वी हैव टू अपग्रेड अवर सेल्स विद द टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ें हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़े जो दुनिया के देशों में है। तो आपकी कोई भी पॉलिसी बने आपको टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पे जोर देना पड़े। नमस्कार, श्री कृष्ण वंका, पास्ट प्रेसिडेंट फोस्टा। GST की तो मुद्दे आपने काफ़ी डिस्कस कर लिए, मैं बजट में चाहूँगा कि इनकम टैक्स में व्यापारियों को राहत मिले। अभी जो 2.5 लाख तक की सीमा है उसको बढ़ा के 5 लाख तक की छूट करनी चाहिए, 5 से 10 लाख तक का 10% रखना चाहिए। दूसरी बात, जो आजकल सेमी स्क्रूटनी आती है उसमें IT वगैरह ज़्यादा बदमाशी करते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट को ऐसा रखना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो सेमी स्क्रूटनी आई उसी पे फोकस रखे, पूरी उसकी फाइल की चेकिंग नहीं करे, इस पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मैं GST के बारे में चर्चा भी हुई है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल का हर व्यापारी सरकार के साथ मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़े क्या यहाँ वन मैन शो है, छोटे व्यापारी हैं तो उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए GSTR की जो रिटर्न है उनको एक की जाए। मंथली अभी 4 रिटर्न है और ITC 4 तो अभी कोई भी नहीं भर पाया है, उसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वो जो जानकारी उसमें मांगी जा रही है वो पॉसिबल हर महीने जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो छोटी छोटी जगह उसमें जाता है, मिलों में माल जाता है, वर्क में जाता है, उसकी हर महीने डिटेल बनाना और पेश करना बहुत इजी काम नहीं है। और ईवे बिल के लिए जहाँ तक बात आ रही है, ईवे बिल से अभी गवर्नमेंट के पास इतने वो नहीं है, तैयारी नहीं है, तो हम कहाँ से जनरेट करेंगे? पार्सल नहीं जाएगी तो हमारे उसको कहाँ रखेंगे? छोटे व्यापारियों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए, सेल्स डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, इसकी डेवलपमेंट आज दिन तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई भी पैकेज कुछ नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैकफुट पे चली गई है उसके लिए कुछ विशेष इस बजट के दौरान होना चाहिए,
सबसे पहले तो मैं ये डायमंड इंडस्ट्री के लिए जीएसटी गवर्नमेंट ने जो 3% से 0.25% किया उसके लिए हम पूरी इंडस्ट्री की ओर से उनके पूरे आभारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 3% ये वॉल्यूम वाला बिजनेस है तो बड़ा कैपिटल ब्लॉक होता था, अभी ये 0.25 कर दिया है तो लिक्विडिटी काफ़ी बनी रहेगी। चलते हुए आपका एक कमेंट चाहेंगे, फाइनल एक वर्ड एफएम के लिए और आपको थैंक्स करेंगे। जैसे सब लोगों ने बताया, इसकी वजह से मैं दो ही चीज़ बताऊंगा। एक, डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा बेसिक लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, छोटे लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो छूट है वो बढ़नी चाहिए, तो छोटे लोगों को दोनों को अच्छी बात होगी। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बात करें तो जीएसटी की बात आएगी, अभी इनडायरेक्ट टैक्स में दूसरे को जोड़ नहीं, उसमें जो 1, 2, 3, 4 फॉर्म जो भरना है, 3B भरना है, उसमें काफ़ी बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्म 4 जनरेट नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है। और मंथली रिटर्न के बदले क्वार्टरली रिटर्न छोटे व्यापारी को लिए करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जो बड़े हो तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो मंथली रिटर्न भरे, लेकिन वो भी एक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से एफएम को ये चीज़ में थोड़ी ध्यान रख के जो नेक्स्ट काउंसिल आएगी उसमें कुछ बदलाव करेंगे तो व्यापारी लोग को अच्छा रहेगा, धंधा करने में भी अच्छा रहेगा। सिस्टम बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा उसमें एक्वेंट होने में टाइम लगता है, तो उसको अभी मंथली एक रिटर्न करके क्वार्टरली छोटे के लिए करें, और आरसीएम और बाकी के लिए तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया ही है sir. और तो वो करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा कहना है एफएम से कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में उनके जो अधिकारी बैठते हैं उनकी एक टीम को सूरत में भेजना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया जो कपड़े का कारोबार होता है उसका 50% ओनली सूरत से होता है। अगर वो जमीनी लेवल पे उनकी टीम अगर आके यहाँ पे सर्वे करे, वो जो भी नियम फॉलो करवाना चाहते हम तैयार है, लेकिन उनको एक बार सर्वे करें ताकि उनको मालूम पड़े हमको कितनी तकलीफ आ रही है, और वो उन तकलीफों को दूर करें। वो जैसे जैसे हम उनको ले जाएंगे, जो छोटे छोटे घरों में महिलाएँ काम करती है, स्लम में काम करने वाले हैं, और कारी जो कई लेडीज ऐसी है जो घरों में काम करती है, फुटपाथ पे कपड़ा बेचते हैं, फेरिये कपड़ा बेचते हैं, तो उनके सामने हम उनको ले जाके पूरा बताएंगे कि ITC 04 ये कैसे भर पाएंगे। तो अगर वो अपना नोट करके ले जावे उसके बाद हम फॉलो करने के लिए तैयार है, तो अपनी एक टीम को यहाँ पे भेजे जिससे उनको ये मालूम पड़े कि हकीकत में सूरत के व्यापारी आपसे कितने दुखी है। आज देखो ये विधानसभा चुनाव में सूरत ने 12 से 12 सीटें दी, कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो 50,000 है वो उसे वोट से नहीं जीती है। हम देश के हमारे जनमानस के हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी के विजन के साथ है, राष्ट्र के विजन के साथ है, हम भी चाहते हैं हम राष्ट्र के विजन में हमारा भी अंश मात्र योगदान रहे, लेकिन इसके साथ में हमारे को हमारे पेट का भी देखना है कि आप यहाँ पे आके देखिए लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, वो तकलीफों को आप दूर कीजिए, और बाकी हम हर चीज फॉलो करने के लिए तैयार है, बस मेरा ये कहना है। एफएम से मेनली तो ये 3 पॉइंट्स ही समझ में आ रहे हैं सब डिस्कशन से, कि एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ जो टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी को लेके वो, और स्लैब्स रिवीजन हो, दूसरा कि जो भी पॉलिसी बने उनका एग्जीक्यूशन या प्लानिंग जो होना चाहिए वो एक रूट लेवल पे या लोकल लेवल पे चीज़ें कैसे चल रही हैं उसको समझ के फिर प्लानिंग करें, और एग्जीक्यूट करने में फिर दिक्कतें कम आएगी। और दूसरा, जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो छोटे कारोबारी हैं उनकी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इंसेंटिव होने चाहिए ताकि वो स्किल्स और बिजनेस दोनों में बढ़ोतरी कर सके, इंसेंटिव देके ना कि सब्सिडी देके। जी, न्यू इंडिया की बात हो रही है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का रोड मैप दिखाना चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़ें? बहुत अच्छी अभी डिस्कशन हुई, जैसे ये बात वहां तक पहुंचेगी तो ऑफ कोर्स टीम यहां बिठाएंगे, छोटे छोटे लोगों का प्रश्न सुनेंगे, और ये सब प्रॉब्लम की वजह से ही हम आगे जा सकते हैं। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो टेक्सटाइल में ज्यादा प्रॉब्लम मतलब कि ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो देखा नहीं डायमंड में से कोई आया ही नहीं है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा प्रॉब्लम इतना ग्रोथ, मैं तो वैसा ही मानता हूं, लेकिन ये सब टॉकिंग की वजह से अभी हमारी बात जहां पहुंचाने हम चाहते हैं वहां पर पहुंच जाएंगी, बाद में वो लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं तो ऑलवेज मेरा एक ही रवैया रहा है, प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, अपने काम पे फोकस करो, प्रॉब्लम को जो करना है वो कर ले, हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, वो हिसाब से जब हम छोटे से लेके सब लोग फोकस करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम हमको कभी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कि ये हम पे है, हम इसमें एग्जस्ट होवे, क्योंकि सब
सबका प्रॉब्लम है, हमारा एक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। हमारे घर पे एक प्रॉब्लम आता है तो हमें भाई रिक्वेस्ट या तो हमको दुख लगता है, ये पूरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें से कुछ नया ऐसा धमाका होगा मेरे को तो दिखता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है और बाद में हमारी जो विज़न नहीं है वो विज़न दिखेगी, तभी पता चलेगा ये सब प्रॉब्लम अच्छे के लिए आया है। जी, इसी नोट पर आप सभी का शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास सीरीज, हमने देश के प्रमुख क्लस्टर्स का रुख किया है मूड को समझने के लिए। काफ़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और जो एसएमई क्षेत्र है वो राहत की उम्मीद कर रहा है। देखते हैं वित्त मंत्री अपने पिटारे से इस अहम क्षेत्र के लिए क्या लेकर आते हैं। बजट से जुड़े अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के लिए आप देखते रहें जी बिजनेस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, गुड बाय।